आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। और चलिए बात करेंगे रीवा की। रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में यहाँ पर इन दिनों डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरों को सुधारने प्रशासनिक अमले के द्वारा किसी भी प्रकार की कोशिश नहीं की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर सुबह से ही घंटों मरीजों को ओपीडी में आकर डॉक्टरों को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने और लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन व्यवस्था की बदहाली का आलम यह है कि कोई व्यवस्था सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में यहाँ अपने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में हमें जो दो विभागों में खासकर डॉक्टरों की कमी है, एक तो आर्थोपेडिक में, क्योंकि आर्थोपेडिक के हमारे जो विशेषज्ञ थे, हमारे यहाँ के करीब 4 डॉक्टर आज से 7-8 महीना पहले से VRS ले लिए हैं। यद्यपि किसी का VRS मंजूर नहीं हुआ है, पर वो आ नहीं रहे हैं हॉस्पिटल में, अवकाश में हैं। तो उसमें डॉक्टर अतुल शुक्ला हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर एमके श्रीवास्तव थे, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अमिताभ अवस्थी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर दीपायन चौधरी नेत्र रोग विशेषज्ञ, ये करीब चारों जो है VRS ले लिए। तो इस प्रकार से जो विशेषज्ञों की हमारे पास कमी हो गई है वर्तमान में, क्योंकि विशेषज्ञ के हमारे यहाँ करीब 23 पद स्वीकृत थे, जिसमें से 6 लोग हैं। वर्तमान में डॉक्टर एम एल गुप्ता मेडिसिन के विशेषज्ञ वो आ गए हैं, CMO थे, वो यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, पर अभी करीब 10 दिन के लिए अवकाश में चले गए हैं ज्वाइन करके। तो जैसे ही आ जाएंगे तो मेडिसिन में कमी हमारी पूरी हो जाएगी, मेडिसिन नहीं रहेगी, पर बाकी जगह आर्थोपेडिक में है। दूसरा, हमारे पास रेडियो डायग्नोसिस के भी डॉक्टर अभी 1 हफ्ते से आ गए।